इस वीडियो में हम इनवॉइस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, मतलब इनवॉइस पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, इनवॉइस को ऑनलाइन कैसे जनरेट करना है, ई इनवॉइस को ऑनलाइन कैसे कैंसिल करना है और टैली और अदर सॉफ्टवेयर के लिए एपीआई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ई इनवॉइस को टैली से कैसे जनरेट करना है और लास्ट में ई इनवॉइस को टैली से कैसे कैंसिल करना है, इसको डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, 1 अगस्त मतलब कल से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उन सबको ई इन्वेस को जनरेट करना है। तो अभी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्रोम पे जाकर मैं ई इन्वेस टाइप कर देता हूँ, एंटर। तो यहाँ पर देखिए ई इन्वेस 1.gst.gov.in, इसको हमें ओपन करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि हम ई इनवॉइस के लिए इनेबल है या नहीं, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमें हमारा जीएसटी नंबर को डालना है और यहाँ पर कैप्चर कोड, उसके बाद गो। तो यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो भी शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आई वॉन्ट टू इनेबल माई जीएसटी आई एन फॉर ई इनवॉइस, इसको क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर सेंड ओटीपी, अभी हमें यहाँ पर ओटीपी को डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी, तो यहाँ पर जो है हमारा टर्नओवर कुछ नहीं था इसलिए इलिजिबल फॉर इन्वेस्टिंग यहाँ पर नो शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें किसी भी फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर टर्नओवर को डालना है। तो मैं अभी डाल देता हूँ 5 लाख और यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर ऑल द जीएसटी आई एन ऑफ योर पैन विल इनेबल फॉर इन्वेस्टिंग, मतलब ये इन्वेस्टिंग के लिए इनेबल हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाता हूँ और यहाँ पर पोर्टल लॉग इन, यहाँ पर मैं जीएसटी नंबर को डाल देता हूँ और यहाँ पर कैप्चर कोड, यहाँ पर मैं गो कर देता हूँ। यहाँ पर सारे डिटेल्स आ चुके हैं, यहाँ पर मैं सेंड ओटीपी कर देता हूँ, ओके। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी, अभी हमें यहाँ पर यूजर नेम को क्रिएट करना है जैसा कि जीएसटी में होता है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद सेव, रजिस्ट्रेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। इसको चाहे तो क्रोम पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर लॉग इन कर देता हूँ और यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को डालना है, उसके बाद कैप्चर कोड और यहाँ पर लॉग इन। यहाँ पर कॉन्टेक्ट ऑफ टेक्निकल पर्सन, यहाँ पर डेटा नॉट फाउंड है तो यहाँ पर हमें एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पर इनवॉइस के पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पर डैशबोर्ड पे आपका जनरेशन और कैंसलेशन, मतलब जो भी यहाँ पर डेटा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी हमने कोई भी ई इनवॉइस यहाँ पर जनरेट नहीं किया है इसलिए डेटा में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन है। अभी हम देखते हैं ई इनवॉइस को ऑनलाइन कैसे जनरेट करना है, मतलब आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है वो इनवॉइस के लिए सपोर्ट नहीं करता, तो आपको यहाँ पर इनवॉइस के साइट पे आना है, यहाँ पर हेल्प में जाना है, यहाँ पर टूल और यहाँ पर बल्क जनरेशन टूल। तो यहाँ पर अलग अलग टूल है, ये जो टूल है वो एक एक इनवॉइस को जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इनवॉइस जेसन प्रिपरेशन फॉर्मेट ए, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट है, मैं यहाँ पर फॉर्मेट ए को डाउनलोड कर देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, अभी मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ और ये XLSM मतलब मैक्रो फॉर्मेट में है। यहाँ पर अलग अलग टैब है लेकिन हमें यहाँ पर प्रोफाइल, जब भी आप पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन आएगा क्योंकि ये मैक्रो फॉर्मेट में है, तो आपको यहाँ पर इनेबल वर्कशीट करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोफाइल में आपकी अपने डिटेल्स को यहाँ पर डालना है, जैसा कि यहाँ पर जीएसटी नंबर, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर जो रेड स्टार मार्क है वो यहाँ पर कंपल्सरी है, यहाँ पर लीगल नेम, यहाँ पर पिन कोड और यहाँ पर सेलर का लोकेशन। अभी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पर अपना लोकेशन मतलब सिटी को डालना है। यहाँ पर ट्रेड नेम जो कि कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर नीचे देखिए अलग अलग ऑप्शन है, डू यू हैव रिवर्स चार्ज, अगर आपके पास रिवर्स चार्ज नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, जब भी आप इन्वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो अनवॉन्टेड कॉलम है आपको शो नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखना है जो भी जरूरत नहीं है उनको आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर इन्वेस्ट में जाऊंगा और यहाँ पर देखिए सप्लायर टाइप कोड, मतलब यहाँ पर B2B है, SEZ विद पेमेंट, SEZ विदाउट पेमेंट, एक्सपोर्ट विद पेमेंट, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट एंड डीम एक्सपोर्ट। तो आपका जो भी है मतलब मोस्टली हमारा B2B होगा उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज है तो यस नो सिलेक्ट करना है। अगर ई कॉमर्स है तो आपको यहाँ पर ई कॉमर्स का GST नंबर को डालना पड़ेगा। यहाँ पर IGST ऑन इंट्रा तो यहाँ पर नो करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप तो टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, तो आपकी जो भी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग में 0-/ इस तरह से कोई कैरेक्टर नहीं डालने हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेट मतलब इनवॉइस डेट,
यहाँ पर बायर के डिटेल्स है, मतलब जिनको हम सेल कर रहे हैं, तो उनका जीएसटी नंबर, यहाँ पर लीगल नेम, यहाँ पर बायर का ट्रेड नेम, और यहाँ पर भी देखिए ये जो स्टार मार्क है वो यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर बायर का प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कौन से स्टेट में हम सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बायर का एड्रेस, यहाँ पर बायर का लोकेशन मतलब सिटी, यहाँ पर पिन कोड और बायर का स्टेट, तो यहाँ पर आप ड्रॉपडाउन से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स जो कि कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर शिपिंग डिटेल्स, उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर को डालना है। मतलब मान लीजिए एक ही इन्वॉइस में आपके बहुत सारे टैक्स रेट से अलग अलग सप्लाई है, तो यहाँ पर एक दूसरे के नीचे आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब 1, 2, तो यहाँ पर सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो कि ऑप्शनल है, यहाँ पर इस सर्विस, अगर सर्विस है तो यस करना है, अदरवाइज नो। यहाँ पर HSN कोड, तो यहाँ पर मिनिमम 4 डिजिट आपको HSN कोड को देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए ये स्टार मार्क है मतलब कंपलसरी है। यहाँ पर बार कोड, यहाँ पर क्वांटिटी जो कि कंपलसरी है, तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट, तो यूनिट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब पीसेस है, नंबर है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट की प्राइस मतलब रेट, और यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट मतलब यूनिट इंटू क्वांटिटी, तो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी, और उसमें कोई डिस्काउंट है या फिर प्री टैक्स वैल्यू है तो यहाँ पर प्लस माइनस करना है। उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर टैक्स रेट, और उसके बाद SGST, CGST और IGST। यहाँ पर सेज, तो आपको ये ध्यान से डालना है, और यहाँ पर आइटम टोटल मतलब टैक्सेबल प्लस GST। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर बैच डिटेल्स, तो ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर वैल्यू डिटेल्स, तो यहाँ पर टैक्सेबल, SGST, CGST, IGST, सेज, डिस्काउंट, कोई अदर चार्जेस है मतलब पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद टोटल इन्वॉइस वैल्यू, मतलब यहाँ पर इन्वॉइस की टोटल आ जाएगी। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, अगर कोई एक्सपोर्ट है तो आपको यहाँ पर डिटेल्स को देना है, मतलब शिपिंग बिल, शिपिंग डेट, पोर्ट, रिफंड क्लेम। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, सारे डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर हमें वैलिडेट करना है, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन सक्सेसफुली, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पर एरर लिस्ट है, आपको यहाँ पर एरर शो हो जाएगा जो कि सिंपल होगा। आपको यहाँ पर कॉलम नंबर शो हो जाएगा, उस कॉलम में आपको जाना है और वैल्यू को ठीक करना है। उसके बाद मैं यहाँ पर वैलिडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर जेसन, इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए जेसन क्रिएटेड, और आपने ये जो एक्सेल फाइल रखी है वहां पर ये जेसन फाइल सेव हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जेसन फाइल यहाँ पर आ चुकी है, तो अभी इसको इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पर इनवॉइस पोर्टल पे आना है, यहाँ पर इनवॉइस, तो यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर बल्क अपलोड, यहाँ पर अपलोड इनवॉइस जेसन फाइल, तो यहाँ पर चूज फाइल, तो मैं यहाँ पर ब्राउज कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके Ctrl+V यानी पेस्ट कर देता हूँ जिसको हमने कॉपी किया था, आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारी फाइल यहाँ पर अटैच हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर अपलोड, तो यहाँ पर अपलोडेड फाइल कंटेंट, तो यहाँ पर आपको समरी शो हो जाएगी, मतलब आपके कितने इन्वॉइस थे, कितने फाइल्स थे। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डाउनलोड प्रिंट PDF। यहाँ पर आपका जो इन्वॉइस जनरेट हुआ है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, यहाँ पर मैं डाउनलोड प्रिंट PDF। तो यहाँ पर हमारा इन्वॉइस जनरेट हो चुका है, यहाँ पर पार्टी का नेम है, यहाँ पर QR कोड है, यहाँ पर IRN नंबर है, यहाँ पर एक्नॉलेज नंबर, और यहाँ पर आपने नीचे जो भी डिटेल्स डाले थे वो सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि इनवॉइस को ऑनलाइन कैसे जनरेट करना है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं जिस इनवॉइस को हमने जनरेट किया था अगर उसको कैंसिल करना है तो हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो इनवॉइस है इसको आप 24 आवर्स के अंदर ही कैंसिल कर सकते हैं। इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है इसको आपको कॉपी करना है, Ctrl+C, यहाँ पर इनवॉइस, और अगर आप बाद में इसको प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब आपने जनरेट किया है तब आप प्रिंट करना भूल गए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर बेस ऑन, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर IRN, तो जो भी आपके पास है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। उसके बाद गो, तो यहाँ पर देखिए आपका इनवॉइस यहाँ पर आ जाएगा, और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से आप सेव एज PDF कर सकते हैं। तो अभी हम इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इनवॉइस, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर बेस ऑन एक्नॉलेजमेंट नंबर या फिर IRN, तो जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो इसको यहाँ पर डालना है,
और यहाँ पर गो, यहाँ पर ई इनवॉइस कैंसल और यहाँ पर आपके पास ई इनवॉइस आ जाएगा। तो आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर कैंसलेशन का रीजन, तो यहाँ पर देखिए अदर, डुप्लीकेट, डेटा एंट्री मिस्टेक, ऑर्डर कैंसल, तो आपका जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर डेटा एंट्री मिस्टेक, और यहाँ पर आप कुछ रिमार्क लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सेम लिख देता हूँ डेटा एंट्री मिस्टेक। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। तो यहाँ पर हमारा इनवॉइस कैंसिल हो चुका है और आपको यहाँ पर कैंसिल शो हो जाएगा। यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। अभी हमने देखा इनवॉइस का रजिस्ट्रेशन करना, इनवॉइस को ऑनलाइन जनरेट करना और इनवॉइस को ऑनलाइन कैंसिल करना, और इसको बाद में प्रिंट भी कैसे करना है ये हम देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि आपके पास कोई अदर सॉफ्टवेयर है तो आपको यहाँ पर API लॉगिन ID और पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, उसको कैसे क्रिएट करना है। और मैंने आपको इसके पहले शो किया था कि अगर आपको इनवॉइस को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है तो आप यहाँ पर MIS रिपोर्ट और यहाँ पर जनरेटेड इनवॉइस यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर गो करना है, मतलब आपने जितने भी इनवॉइस को जनरेट किया है वो सब डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर होम में जाता हूँ। तो हमारा ये मिशन है कि हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाउंटिंग और टैक्सेशन में मास्टर बनाना चाहते हैं। अगर इस मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेकमेंड कीजिए। अभी हम देखते हैं कि API का रजिस्ट्रेशन करना, तो यहाँ पर देखिए API रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर यूजर क्रेडेंशियल, यहाँ पर क्रिएट API यूजर्स, इसको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद वेरीफाई OTP। ओके, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, मतलब डायरेक्टली GSTN, थ्रू GSP, थ्रू ARP, तो हमें यहाँ पर GSP को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें टेलीप्राइम को सिलेक्ट करना है, या फिर आपका कोई अदर सॉफ्टवेयर है तो उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में हमें यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो आपने जो इनवॉइस के लिए यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट किया था वो अलग है, और ये API के लिए मतलब टेली के लिए अलग होगा। तो आपको यहाँ पर अलग यूजर नेम और अलग पासवर्ड को डालना है, मतलब बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद यहाँ पर सबमिट, तो यहाँ पर क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो अभी आपके पास टैली या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर है और उसमें से आपको इनवॉइस को जनरेट करना है। तो इस तरह से हमें API का लॉगिन ID और पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ता है। अभी हम देखते हैं टैली से हम इनवॉइस को कैसे जनरेट कर सकते हैं। टैली को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर F11 को प्रेस करना है, और यहाँ पर टैक्सेशन में इनेबल GST, यहाँ पर आपको यस करना है, एंटर। यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स एक्चुअल में होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हमें यस करना है। यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब कब से ये एप्लीकेबल है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस, मतलब कहाँ से आप डिस्पैच करना चाहते हैं। तो कंपनी को जनरेट करते वक्त आपका जो एड्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद इंटर। यहाँ पर इनवॉइसिंग का रिपोर्ट, तो मैं यहाँ पर 3 डे रखता हूँ। सेंड UAB डिटेल्स विद इनवॉइस, मतलब दोनों को एक साथ जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है। Ctrl+A कर देता हूँ, Ctrl+A। अभी मैं यहाँ पर वाउचर में जाता हूँ और एक सेल्स इनवॉइस की एंट्री करता हूँ। और मैं जैसे नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए प्रोवाइड इनवॉइस डिटेल्स, यहाँ पर आपको यस करना है। अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आता तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, और यहाँ पर देखिए सेंड इनवॉइस डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर, और आप पहले एंट्री को करना चाहते हैं और कुछ समय बाद में इनवॉइस को जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो करना है। तो मेरा यहाँ पर यस है, और यहाँ पर यस पे मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर इनवॉइस के डिटेल्स, यहाँ पर प्लेस ऑफ पार्टी, मतलब पार्टी का प्लेस, तो यहाँ पर बिल टू प्लेस, मतलब उस पार्टी का प्लेस कहाँ पर है, और यहाँ पर शिप टू प्लेस। अभी आपको फर्स्ट टाइम इसको टाइप करना पड़ेगा और बाद में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पर प्रोवाइड डिस्पैच फ्रॉम डिटेल्स, और यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे जो कि यहाँ पर ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पर F12 में जाता हूँ और इसको नो कर देता हूँ। उसके बाद में मैं Ctrl+A या फिर इंटर करूंगा, उसके बाद इंटर, Ctrl+A कर देता हूँ, Ctrl+A। तो यहाँ पर देखिए डू यू वॉन्ट टू जनरेट इनवॉइस, यहाँ पर आपको यस करना है, और अगर आप बाद में जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो करना है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इनवॉइस के लॉगिन डिटेल्स, मतलब जो भी हमने क्रिएट किए थे API का रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उनको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद Ctrl+A या फिर इंटर। तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड हो रहा है। यहाँ पर इनवॉइस जनरेटेड सक्सेसफुली,
the details are updated in the transaction, यहाँ पर हमें इंटर करना है। अभी जब भी हम इस इनवॉइस का प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा टैक्स इनवॉइस, आयरन कोड और एक्नॉलेजमेंट नंबर इसके साथ प्रिंट होगा। और अगर आपने किसी सेल्स इनवॉइस की एंट्री की है लेकिन अभी तक उसका ई इनवॉइस को जनरेट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक्सचेंज में जाना है और यहाँ पर सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ई इनवॉइसिंग के लिए आपके जो भी सेल्स इनवॉइस पेंडिंग है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। और अगर आपने किसी इनवॉइस को कैंसिल किया है तो यहाँ पर फॉर आयरन कैंसिलेशन वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको इनको सिलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं तो एक ही साथ में आप मल्टीपल इनवॉइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंड, तो यहाँ पर आपको समरी शो हो जाएगी, यहाँ पर आपको यस करना है। यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालना है। अगर ये पहले से सेव है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके इनवॉइस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समरी शो हो जाएगी, मतलब कितने इनवॉइस यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं, कितने कैंसिल हो चुके हैं और किसी में एरर है तो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद हम उन सेल्स इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो आयरन के साथ वो सेल्स इनवॉइस प्रिंट हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं इनवॉइस को टैली से कैंसिल कैसे करना है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी ई इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको 24 आवर्स के अंदर इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर गो टू में जाना है और यहाँ पर ई इनवॉइस, तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी पूरी समरी शो हो जाएगी और यहाँ पर देखिए आयरन जनरेटेड, जिन आयरन को आपने जनरेट किया है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इनको यहाँ से ओपन करना है तो आपके सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप जिसको भी कैंसिल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कैंसिल आयरन, यहाँ पर आपको रीजन और रिमार्क जैसे कि हमने ऑनलाइन दिया था उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और उसके बाद कंट्रोल ए यानी एक्सेप्ट। अभी आपको यहाँ पर बैक जाना है और यहाँ पर पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विथ इनवॉइस सिस्टम, तो यहाँ पर फॉर आयरन कैंसिलेशन यहाँ पर आपको वो शो जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक्सचेंज और यहाँ पर सेंड फॉर इनवॉइसिंग, उसके बाद सेंड, यहाँ पर यस यानी कंटिन्यू, यहाँ पर कैंसिलेशन प्रोसेस हो रही है। लेकिन ये जो आयरन के डिटेल्स है वो आपको शो होते रहेंगे और वो जो सेल्स का इनवॉइस है उसको आपको बाद में कैंसिल करना पड़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।